तो आज की सभा में डीएम गुप्ता साहब आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। समस्या समस्या ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं होता है वो दिखता है। जनरली परसेप्शन जो बनते हैं गुप्ता साहब, दे आर नॉट राइट। किसी की शक्ल से कोई प्रभावित हो जाता है, किसी की पटरिंग से आदमी प्रभावित हो जाता है, तो टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइज ऑनेस्टली नहीं हो पाती। समस्या ये है कि सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इज द की थिंग। और अगर जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपने टीम का सही सिलेक्शन कर लिया तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। ये हम लोगों ने अपनी जिंदगी भर के अनुभव में देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है। अगर समस्या इस तरह की रही है कि वो फ्रीडम नहीं मिलता, एक तो टीम बिल्ड करते समय, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो बहुत कम लोग अवेलेबल होते हैं, जो स्पेयर मैन पावर होती है उसी को हम नए प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर पाते हैं। मगर तब भी जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसमें इस तरह से ये जाना जाए कि हु विल फिट इन बेस्ट फॉर द पर्टिकुलर जॉब। अब मैं फाइलो वी पर चर्चा करने से पहले आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ गुप्ता साहब, कि 50 साल पहले जो हम लोग रुड़की में थे, पहली बार ये एचआर शब्द का नाम थोड़ा बहुत सुनने को मिला था और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते थे वो लोग, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जो अच्छी तरह क्रैक कर लेता था उसका सिलेक्शन हो जाता था। हर एक का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं। अब इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है IQ ही का ही पता लगता है मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में। इंटीग्रिटी का पता नहीं लगता। इंटीग्रिटी नहीं, ये आल्सो बात तो प्लेज अ आपका वेरी बिल्कुल सही डोमिनेंट है। रोल। देखिए, वैसे भी जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो टीम बिल्डिंग के जो भी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स अवेलेबल हैं उनसे आपकी प्रोफेशनल स्किल का पता नहीं चलता, इंटेलिजेंस का पता नहीं चलता। टीम बिल्डिंग के लिए हम ये मान के चलते हैं जो स्किल सेट चाहिए वो हैं, लेकिन जो अदर देन स्किल जो चीजें हैं वो क्या हैं जो किसी टीम को सक्सेसफुल बनाती हैं, किसी को अनसक्सेसफुल बनाती हैं, उसके बारे में जो ये इंटरपर्सनल रिलेशन से संबंधित है ये टॉपिक। क्योंकि क्या होता है कि आप अकेला आदमी तो काम नहीं करता, टीम होगी 4 की, 5 की, 10 की, 50 की, 100 की, या मिनिमम मेंबर्स उसके 2 होंगे, ठीक जी बिल्कुल है ना। 2 से कम में तो टीम नहीं हो सकती। तो बिल्कुल जो इस ये जो फायरो बी का जो टूल है, ये टीम कौन किसके साथ फिट होगा ये तय करने के लिए है। ये हमको नहीं बता सकता कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उनमें है या नहीं है। हम मान के चलते हैं कि जिन मेंबर्स को हम टीम के कंसीडर कर रहे हैं टीम में लाने के लिए, उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, ये मान के चलते हैं। लेकिन जो दूसरी क्वालिटीज हैं वो क्या हैं जो ये तय करती हैं कि टीम सक्सीड करेगी या नहीं, उनमें झगड़े या डिफरेंसेस तो नहीं होंगे, और अल्टीमेटली वो आउटपुट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर झगड़े होंगे तो आउटपुट नहीं मिल पाएगा जैसे चाहिए। तो बिल्कुल उसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट फाइरो भी बनाया गया है, जी ये करीब 50 साल पहले इजाद हुआ है, जी और उसके बारे में हम, और मैंने बहुत यूज किया है इसको अपनी टीम्स बनाने में। जी मैं तो कई फैक्ट्रियों में रहा हूँ, 10-12 स्टेट्स में मैंने काम किया है, जी और प्रोडक्शन से ज्यादा रिलेटेड रहा मैं, मेंटेनेंस से भी रहा रिलेटेड, जी और ओवरऑल मैनेजमेंट से भी रहा। तो उसमें अपने को ये देखना पड़ता है कि जो जो भी हमारे पास टीम है तो किस पर्टिकुलर रोल के लिए वो फिट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सम एट्रीब्यूट्स विच कैन बी एग्जामिन थ्रू फायरोबी।
अब ये उसके बताएं बारे में हम तो चर्चा ये करना चाहेंगे। फायरो भी मेरे ख्याल से तो एक बहुत ज्यादा पुराना टूल नहीं है हाँ, इसकी। बहुत ज्यादा पुराना टूल नहीं है। ये समझिए कि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, विलियम शॉप। जी विलियम शॉप ने 1958 में, जी जर्मन थे वो, और इसकी शुरुआत की थी। हालांकि इंडियंस तो ये समझते हैं कि साहब उसकी उससे जन्मपत्री नहीं मिल रही है, इसलिए वो साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जी कुछ हद तक वो भी सही हो सकता है, जी लेकिन उसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। लोगों की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है, रिकॉर्ड में कुछ है, एक्चुअली में कुछ है, तो स्टार की पोजीशंस अलग हो जाएगी, जी और अनलेस आपको सही एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा तो भी आप पता नहीं लगा सकते। तो जी जी ये जो उन्होंने टूल बनाया है, वो ऐसा बनाया है कि आप 5-10 मिनट में, एक क्वेश्चनेयर है 54 क्वेश्चंस का, उसको फिल करने के बाद आप उसकी स्कोरिंग करके खुद ही तय कर सकते हैं कि मैं, मेरे क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, एज फार एज इंटरपर्सनल रिलेशन इन ए टीम इज कंसर्न। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करना चाहते थे। ये फायरो भी की फुल फॉर्म क्या होती है थोड़ा सा बताएं देखिए, आप हमारे दर्शकों को। फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर, ओके फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर। तो गुप्ता साहब ये बताएं कि ये 54 क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं तो हाँ जी, ये धीरे धीरे चेंज भी कभी हुए हैं कि जब से इस नहीं, पर। ये चेंज नहीं हुए, ये काफी रिसर्च के बाद फाइनल किए गए हैं, और 1958 से आज तक वही सेट ऑफ 54 क्वेश्चंस हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि उसमें रिपीट भी हो रहे क्वेश्चंस, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर आपने उसमें ज्यादा सोच के मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कुछ बदल के दिखा सकता हूँ, तो जी वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, वो नहीं कर पाएंगे आप। गुप्ता साहब, हाँ ये जी आप तो 73 के हम लोग ग्रेजुएट हैं, आप भी हैं, हाँ और जी आपने हमने तो फायरोबी का नाम आप ही से सुना। आप फायरोबी को कब से जानते हैं और कब से यूज कर रहे हैं? मैं देखिए, जब मेरी पोस्टिंग थी पुणे में, जी ये बात है 90 और 96 के बीच की, मेरे ख्याल से 92 या 93 की बात है, मेरे को एक एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, और उन्होंने 3-4 दिन की वर्कशॉप भी की फिर हमारे यहाँ आकर, और मैं इससे काफी प्रभावित हुआ, और उस हिसाब के, मतलब 93 के बाद से हमने इसका कंटिन्यूअसली, मैं 2011 में रिटायर हुआ हूँ, हम तब तक उसका यूज करते ही रहे, और हमारी टीम जो है कभी फेल नहीं हुई, हमारी टीम में कभी झगड़े नहीं हुए। इतना जरूर था कि हमारे पास, जब से हम मिडिल मैनेजमेंट में थे, डिप्टी जनरल मैनेजर थे या ज्वाइंट जनरल मैनेजर थे, तो ये इतनी च्वाइस नहीं थी कि मुझे जो टीम मेंबर चाहिए मैं ले पाऊँ, वो जी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो देगा या नहीं देगा, तो जी उसमें जो भी हमारे पास थे हम उनको इस प्रकार से अदला बदली करते थे कि जिससे झगड़े की और फ्रिक्शन की नौबत नहीं आवे, मैं आपके और मैं सुझाव 93 से इसका कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने इवन कोई, जो जैसे घर में शादी है उसके लिए टीम बनानी है, कोई फंक्शन करना है बड़े लेवल का, स्पोर्ट्स मीट जैसे हम कराते थे, उसमें जो टीम बनाते थे उनमें भी इस बात का ख्याल रखते थे कि जो बेसिक्स हैं फायरोबी के उनको फॉलो करें, जिससे टीम बड़ी स्मूथली काम करती है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं ब्रिज कॉर्पोरेशन में था करीब 13 साल, और वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो अपने रुड़की के ही हमसे 10 साल सीनियर थे, एंड इज ए वेरी ब्रिलियंट पर्सन। सरदार होने के साथ साथ भले ही उन्होंने एमबीए ना किया हो, वह उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत हाई रहती थी। वो हमेशा ये करते थे, बल्कि उनसे भी जो सीनियर लोग आ रहे ब्रिज कॉर्पोरेशन को, एक्चुअली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जरूर थी मगर प्योरली के ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड एंड वेरी इंटेलिजेंट लोग वहाँ जाते थे और काम करते थे। तो उनका रवैया यही रहता था कि जिस जो अगर नया प्रोजेक्ट आता था तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कहते थे कि भाई वी हैव पिक्ड यू फॉर द जॉब, आप अगर ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो इसकी टीसी पैटर्न एस्टिमेट बना के बताइए कि हाउ मच यू विल बी सेविंग ऑन दिस। एंड दूसरी बात वो कहते थे कि भाई जो भी मैन पावर आपको चाहिए जिस पे अवेलेबल है, मैनेजर पर्सनल को बुलाते थे कि भाई इनको जो भी टीम जो चाहते हैं अगर संभव है तो जरूर दे दी जाए। तो
और आई थिंक ये ऑनेस्टी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जाना ही बहुत ही लाभदायक रहता था और प्रोजेक्ट्स हम लोगों के बहुत ही सफल होते थे। हाँ, उस जमाने में हम लोगों को फायरोवी का नहीं पता था, और फायरोवी की जो लिमिटेशन मुझे थोड़ी सी लगती है वो ये है कि एक तो आपके पास रिसोर्सेज हो, इस पर मैं काफी, जब आपके पास चॉइस ही कम है तो आप फास्ट एप्रोच करते हैं, जो मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। जी जी जी, मतलब आइडियल सॉल्यूशन तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं मिल पाते हैं। जी जी, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट क्या हो सकता है जी, वो जरूर कर सकते हैं। तो खुप्ता साहब, आज मुझे अपना आप स्टूडेंट समझिए और आप फायरोवी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि हमारे हमारे साथी लोग का कोई हैं, आप इस डिस्कशन का लाभ बाद में उठा लेंगे। ठीक है, या जी ठीक है दोस्तों, दिनेश गुप्ता का आपको नमस्कार। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, एक मैनेजमेंट का बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका नाम फायरोवी एनालिसिस है, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर। ये हमको बता सकता है कि ग्रुप में जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप दो मेंबर्स का हो सकता है, एक का तो हो नहीं सकता, कम से कम दो मेंबर तो चाहिए, दो हो, चार हो, छह हो, दस हो, सौ हो, तो उनके आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो ये रिसर्च हो रही थी पिछली सेंचुरी में, तो 1958 में जर्मनी में एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट और साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम विलियम शॉफ था, और उन्होंने ये तकनीक निकाली। और उनका बेसिक रिसर्च के बाद ये निकला कि किसी भी ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके इंटरेक्शन फंडामेंटली तीन एट्रीब्यूट्स पर आधारित है जिनको उन्होंने नाम दिया ICA, I फॉर इंक्लूजन, C फॉर कंट्रोल एंड A फॉर अफेक्शन। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा इन तीनों पर, और उसके बाद ये बताऊंगा कि इन तीनों एट्रीब्यूट में भी दो दो हिस्से होते हैं, एक आप क्या एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट। तो इस तरह से तीन एट्रीब्यूट के अब छह एट्रीब्यूट हो गए। ICA था इंक्लूजन, इंक्लूजन में एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन एंड वांटेड इंक्लूजन, कंट्रोल में एक्सप्रेस्ड कंट्रोल, वांटेड कंट्रोल, और अफेक्शन में एग्जिबिटेड, और जो आप दिखा रहे हैं अफेक्शन अपना, ये आप क्या चाहते हो, एग्जिबिटेड एंड वांटेड। तो आई के दो हो गए एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड, सी के दो हो गए एक्सप्रेस एंड वांटेड, और अफेक्शन ए के दो हो गए एक्सप्रेस एंड वांटेड। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि जब हम बात करते हैं कि इंक्लूजन से क्या तात्पर्य है। इंक्लूजन से तात्पर्य हमारा यह है कि जो भी टीम के मेंबर्स हैं वो सोशली या ग्रुप वाइज अपने को कितना सबके नजदीक पाते हैं। वो अलग, कुछ आपने देखा हो ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग थलग रहते हैं, मिलना जुलना नहीं चाहते लोगों से जी। वो ये तो चाहते हैं कि लोग मुझसे मिलें जी, लेकिन वो खुद आगे नहीं आते जी। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर आप ऐसी किसी पार्टी में पहुंच गए जहां ज्यादा लोग आपको जानते नहीं हैं, तो एक सज्जन तो ये होंगे जो एक कोने में बैठे रहेंगे और ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि वही कहेंगे ये तो नए ग्रुप है, मैं तो इनको जानता नहीं हूं। और उसके बाद जो जैसे पार्टी चले, खाना वाना होगा, खाने के बाद चले जाएंगे, ज्यादा मिलेंगे नहीं। एक दूसरा बंदा हो सकता है जो जैसे ही देखे कि भैया तो नए लोग है, मैं नहीं जानता, वो आगे बढ़कर खुद अपने को इंट्रोड्यूस कर देगा और लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएगा जी जी। तो उनका जो एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन है वो हाई है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते ही नहीं मिलना, एक्सप्रेस तो वो क्या करेंगे, वो ये तो चाहते हैं कि सब हमसे मिलें लेकिन वो खुद नहीं मिलेंगे। तो उनका बड़ा जो वांटेड हाई है बट एक्सप्रेस इंक्लूजन वेरी लो है।
ऐसे आदमी जो है वो टीम में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी चीज जो विलियम शॉप ने बनाया, इन्होंने बताया कि जैसे टोटल एट्रीब्यूट हो गए हमारे 3 और 3 के एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड, तो 6 हो गए, इंक्लूजन एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड, कंट्रोल एक्सप्रेस एंड वांटेड, एंड ये आपका अफेक्शन एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड। तो इसमें इन्होंने 6 मतलब नो क्वेश्चन हर एट्रीब्यूट के रखे हैं, तो 6 to 9 becomes 54, that is why there are 54 questions. Okay. तो वो questions में भी शेयर करूंगा, या आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करने के लिए, आपके पास भी वो फाइल है जी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंक्लूजन से क्या फर्क पड़ता है। इंक्लूजन से आदमी अकेला है या सोसाइटी के साथ मूव करना चाहता है ये मालूम पड़ता है। जो आदमी सोसाइटी के साथ मूव करना चाहता है तो वो अपने दुख दर्द भी शेयर करेगा, कहीं चीज में फंस गई तो किसी से भी पूछ लेगा, ऑब्वियसली टीम की वर्किंग सरल हो जाएगी जी। लेकिन उसके लिए जो भी आपके टीम का लीडर है उसको जो इंक्लूजन है वो सिर्फ बॉन्डिंग से काम नहीं चलेगा, उसे एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, वो लोगों के पास खुद जाए कैसे चल रहा है, क्या हम जो राउंड पे जाते हैं साइट पर या वर्कशॉप में क्यों जाते हैं जी। ताकि लोग हमसे ये ना समझें कि ये हमारे लीडर हैं, जनरल मैनेजर हैं, ये तो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे रहते हैं, इन्हें क्या पता साइट पे क्या हो रहा है जी। साइट में जाने से काम क्यों तेजी से आगे बढ़ने लगता है जी। एक तो कारण ये है कि अगर बॉस का विजिट होगा तो सब चीजें ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि कोई भी सवाल प्रोग्रेस पूछी जाएगी। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और इसका गोल्डन रूल जो मैंने देखा है कि जब आप इस तरह का साइट विजिट करते हो तो अगर आपका भी बॉस आ सकता है साइट विजिट पे, मान लीजिए आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, चीफ साहब का दौरा हो गया, तो जो चीजें साइट पर अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुई हैं उनका क्रेडिट आप अपने समस्त जूनियर्स को दीजिए, और जो चीज अगर कोई गलत पाई गई है, गलत हो गई है, आप उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। That is great. लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, जो सही होता है लोग कहते हैं मैंने करवाया, और गलत हो जाती है कोई चीज तो बोलते हैं इन्होंने किया, तो उससे आप लोगों का फेथ अर्न नहीं कर सकते, वो टीम बिल्डिंग नहीं होगी। हालांकि लोग कुछ ये भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि साहब ये पुराने जमाने की बात है, आजकल तो कोई बॉस और सबॉर्डिनेट होता नहीं जी। ऐसा नहीं है, हायरार्किकल पिरामिड तो चाहे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी में है जी। जी। एक टॉप ऑफ द लैडर जो है वो टीम का लीडर होगा, उसके बाद पूरा पिरामिड होगा नीचे तक, सुपरवाइजर वर्कर तक, ये तो हमेशा होता है जी। राइट, तो ये इसलिए भी जरूरी है कि ताकि टीम जो है वो कोहेसिव रूप में काम करे, और अगर किसी में कोई कमी है दूसरा उसको पूरा कर दे जी। मैंने अभी 2-3 आपको उदाहरण देकर बतलाया जी। अभी हम आते हैं कि जो एट्रीब्यूट कंट्रोल है उस कंट्रोल में क्या होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि बॉस ये तो चाहता है कि मैं सबको कंट्रोल करूं जी, लेकिन मुझे कोई कंट्रोल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा, हाँ, कुंद्रासन वी हैड कैप्ट ऑन ए टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट टूल विच इज क्रिसेंड एज फायरोबी एनालिसिस, फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर। ये करीब पिछली सेंचुरी में 1958 में विलियम शॉप जर्मन के ये मैनेजमेंट गुरु थे, तो उन्होंने इसको इजाद किया, और तब से इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। बेसिकली उनका, मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि कुंद्रा साहब ने भी ज्वाइन किया है, ये बता दूं कि कोई भी टीम वर्किंग होती है तो विलियम शॉप ने ये निकाल के रखा कि उसके 3 मेजर एट्रीब्यूट हैं जो टीम वर्किंग को प्रभावित करते हैं मोस्टली, दे आर इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन। तो अभी हमने इंक्लूजन पर चर्चा की, और इन तीनों एट्रीब्यूट में 2 हिस्से हैं, एक एक्सप्रेस्ड, दूसरा वांटेड, कि आप खुद क्या करते हो उस एट्रीब्यूट के बारे में और लोगों से क्या चाहते हो। अभी हम कंट्रोल पर आए थे कि कुछ लोग ये तो चाहते हैं कि मैं बॉस हूं, मैं पूरी टीम को कंट्रोल करूं, लेकिन मुझे कोई कंट्रोल न करे, मुझसे कोई सवाल नहीं करे, तो जिसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप बोलते थे,
किसी जमाने में, या तो वो अच्छी टीम बिल्डिंग नहीं हो सकती। हाँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप ये चीज एक्सप्रेस भी करो, यू वांट, दैट इज परफेक्टली ओके। क्योंकि वन वे प्रोसेस अगर था तो उससे टीम बढ़िया काम नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यू हैव टू गिव देम फ्रीडम टू डू बेटर। जैसे मैं बतला रहा था कि इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट टूल में सेट ऑफ 54 क्वेश्चंस हैं और हर एट्रीब्यूट एक्सप्रेस एंड वांटेड में नौ नौ क्वेश्चन आते हैं, 9 × 6 बिकम्स 54। तो इंक्लूजन एक्सप्रेस इंक्लूजन वांटेड के लिए एक नो क्वेश्चन की शीट है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नो क्वेश्चन इंक्लूजन वांटेड के लिए है, उसके बाद कंट्रोल का जहां तक बात है, अगेन 9 क्वेश्चंस वुड बी देयर ऑन एक्सप्रेस कंट्रोल एंड 9 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर वांटेड कंट्रोल। एंड थर्ड एट्रीब्यूट कम्स इज अबाउट लव एंड अफेक्शन, how much you care for your team members. Similarly, you also want ki log main mere ko affection de, affection boss ke liye kya, mujhe izzat de, main jaun to log khade ho jaye milne par mujhe pehle wish kare wagaira wagaira. To lekin hota kya hai ki aap ye aap to subordinate ke good morning ka jawab bhi nahi de rahe ho theek se, unse agar haath milana pad gaya to aise haath mila rahe ho jaise bada bhari ehsaan kar rahe ho, तो फिर वो टीम नहीं काम करेगी, वो उसका इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने जैसे कुछ उदाहरण फिर से देना चाहूंगा कि आप लव केयर एंड अफेक्शन से कितना फर्क पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो अगर आप अपने तहत जो काम कर रहे हैं उनको फर्स्ट नेम से बुलाएं, ड्राइवर है, ड्राइवर को ड्राइवर नहीं, आप उसका कोई नाम होगा, और अगर वो उम्र में आपसे बड़ा है तो इज्जत दे सकते हैं, और रामलाल है तो आप रामलाल जी बुला सकते हैं, ड्राइवर इधर आओ, जरूरी नहीं है। अगर ये करोगे तो वो आपकी जबरदस्ती इज्जत चेहरे पर कर दे लेकिन मन से आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अफेक्शन के मायने ये है, जैसे मैंने एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपके मातहत मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है या जूनियर इंजीनियर है, इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर है, उसने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी है कि साहब मेरे फादर बीमार है और मुझे 3 दिन की छुट्टी है, देखने जाना है, छुट्टी आपने दे दी उनको, तो राउंड लेते हुए फील्ड पर आपको चौथे पांचवे दिन वो दिखाई दिया। तो अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई रामलाल आपने छुट्टी ली थी, आपके फादर ठीक नहीं थे, आप कैसे हैं, आप देख के आ गए, सब ठीक है, तो आपका ये शब्द कहना इट डिपिक्स अफेक्शन ऑफ योर्स टुवर्ड्स दैट एम्प्लॉय। तो आप समझ लीजिए कि वो आपके काम को कभी ना नहीं कर पाएगा, आपने उसे खरीद लिया इतनी छोटी सी बात से। तो दैट इज अफेक्शन एक्सप्रेस्ड, राइट? या कैन आई से समथिंग इसमें? प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने वो कल फॉर्म जो था वो देखा मैंने और उसको भरा भी, एंड आई ट्राई टू सेंड इट, आई डोंट नो इफ यू गॉट इट और नॉट, बट आई विल ट्राई टू सेंड इट अगेन इफ यू डिडंट। उसमें बहुत से सवाल मुझे रिपीटिशन लगे, उसमें बहुत से सवाल ऐसे हैं मेरे को ऐसा लगता है कि as if they are trying to... वो जानबूझ के, जो विलियम शॉप ने जिन्होंने इन्वेंट किया है, उन्होंने जानबूझ के रिपीट किया है। कुछ लोग क्या है कि ये दिखाने के लिए कि हम हैं कुछ लेकिन हम दिखाना कुछ और चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी कोशिश, इसीलिए कहा गया कि उसे कम से कम समय में भरिए, ज्यादा सोचोगे ताकि आप पहला सवाल और हो सकता है 26वां सवाल सेम हो, राइट? तो आपको 25 सवाल के बाद याद नहीं रहेगा। अगर आप मैनिपुलेट करना चाहेंगे तो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगा, वो जानबूझ के ऐसा किया गया है। और उसके बाद जो फर्दर की स्कोरिंग है मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, वो इस प्रकार से बनाई गई है कि अगर आप उसमें कुछ झूठ बोलना चाहते हैं या कुछ मैनिपुलेट करके कुछ डेटा ऐसा देना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी है कुछ और लेकिन दिखाई कुछ और दे, तो वो कैंसिल हो जाएगी, ऐसा आप अमूमन नहीं कर पाएंगे, वो जानबूझ के किया गया है। I thank you. No, I understand that. And आप जो कह रहे हो कि employees का care करना, वो तो हम लोग करते हैं यहाँ पे। And then we are pretty. I'm just trying to reset myself so that I can. Sure.
नहीं देखिए क्या है कि सभी बराबर पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग आते हैं, एक को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है दूसरे को नहीं मिलती। उसका कारण प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। प्रोफेशनल नॉलेज का मेरे हिसाब से जो योगदान है किसी की तरक्की में अप द मैनेजमेंट लैडर वो 25-30% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्किल अगर आपके पास नहीं है वो हायर भी हो सकती है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं हाँ वो आसानी से नहीं मिलती ट्रू और उनको पहचानना भी मुश्किल है। और बेसिकली मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो टूल है मैनेजमेंट का फायर ओबी एनालिसिस, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कॉम्पिटेंस को नहीं बताता, ये सिर्फ ये बताता है कि हम मान के चलते हैं कि सबके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो स्किल सेट होना चाहिए वो है वो, लेकिन उनकी दूसरे एट्रीब्यूट ऐसे हैं कि नहीं है कि वो मिलकर काम कर सकते हैं एज ए टीम या नहीं कर सकते, उसके बारे में प्रकाश डालेगा। जैसे बोलते हैं ना कि इन लोगों के ग्रह नहीं मिलते, इवन आई वुड इवन गो टू द एक्सटेंड कि हस्बैंड वाइफ अगर प्रोस्पेक्टिव किसी को शादी करनी है तो उनको जन्मपत्री मिलाना तो ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजर बताएंगे उनके जो भी तरीका है, लेकिन इसके अगर ये 54 क्वेश्चन का आंसर देकर बाद में जो छोटा सा ICAENW बस इतना भर अगर रिजल्ट 2 इंच में मिल जाएगा तो हम अच्छा खासा प्रकाश डाल सकते हैं कि बहुत इनकी बढ़िया, बहुत आपस में पटेगी या बहुत नहीं सुंदर। पटेगी। 4 क्वेश्चंस की लिस्ट आप शेयर कर देंगे। ऐसे मार्किंग कैसे करते हैं उसको? मैं उसके बाद मार्किंग स्कीम बतलाता हूँ, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उसमें क्या है कि जैसे हर क्वेश्चन में पांच पांच छह छह ऑप्शंस हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑप्शंस मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो उस क्वेश्चन के आगे जब मैं मार्किंग स्कोरिंग बताऊंगा आपको तो लिखा होगा 2 3 5, इफ आंसर इज 2 3 5 देन इट इज 1, अदरवाइज इट इज 0। ओके एक सो मिनट क्वेश्चन आप, नहीं ये नहीं 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 वो 54 क्वेश्चन, हाँ ये 5 ओवी के क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए? हाँ ये देखिए 5 ओवी के क्वेश्चन आ गए सामने। पहला क्वेश्चन है आई ट्राई टू बी विद पीपल राइट, उसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस हैं यूजुअली ऑफन समटाइम ओकेजनली रेयरली नेवर 1 to 6। तो जो भी आपके इसमें ऑप्शन है वो आप उसको सर्किल कर देंगे या टिक कर देंगे, या लिख देंगे जैसे मैंने हाँ लिख या लिख दिया, देंगे, और ये सही है गलत है, इसके नंबर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसकी हाँ शीट ये अभी नहीं मालूम है, बाद में ये अभी बताऊं। नहीं मालूम है, ये हम बताएंगे। जी, ये इस पहले मैं जरा क्वेश्चन पूरे पूरे कर दूं। दूसरा क्वेश्चन है आई लेट अदर पीपल डिसाइड व्हाट टू डू राइट, अगेन यूजुअली ऑफन समटाइम्स ओकेजनली रेयरली नेवर, आई ज्वाइन सोशल ग्रुप्स, आई ट्राई टू हैव क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल, आई टेंड टू ज्वाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी। 6th question इज आई लेट अदर पीपल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस माई एक्शंस। अच्छा ये क्वेश्चंस की लिस्ट हमने अपने ग्रुप में पहले भी शेयर कर ली है, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी अगर उसकी हार्ड कॉपी आप रख सके तो सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। देन 7th इज आई ट्राई टू बी इंक्लूडेड इन इनफॉर्मल सोशल एक्टिविटीज। और ये नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है एक ग्रुप में, और हाँ जी इसमें 1 2 3 4 5 6 आपको जो सूट करता है वो आपको नंबर इसमें भरना है, ऑप्शन वाले कॉर्नर में आंसर देना है, जी हाँ तो आप जी ये हाँ, चाहते हैं ना। लेकिन वो स्कोरिंग नहीं मैं है, स्कोरिंग क्या होनी है वो बताएंगे। हाँ अब दूसरा ये मैंने भी वो भर रखे हैं, पर मैंने इसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल, शायद नहीं तो इस पहुंचे तरह हैं, पर से आप देखिए 17 क्वेश्चन है आई ट्राई टू बी फ्रेंडली टू पीपल, 22nd क्वेश्चन है आई लेट अदर पीपल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस माई एक्शंस, 27th क्वेश्चन है आई ट्राई टू हैव क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विद पीपल, 32 क्वेश्चन है आई लाइक पीपल टू एक्ट क्लोज टुवर्ड्स मी, देन 33 क्वेश्चन है आई ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स व्हेन आई एम विद पीपल, 34 क्वेश्चन है आई लाइक पीपल टू एक्ट कूल एंड डिस्टेंट टुवर्ड्स मी, देन 39th क्वेश्चन है आई लाइक पीपल टू इनवाइट मी टू पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज। और ये चॉइस राइट हैंड साइड में इंडिकेट की है, और ये थर्ड सेट हाँ ऑप्शन ही है। तो जो आप समझते हैं कि आपके लिए बराबर फिट हो रही है वो आप उसके अंदर टिक कर दीजिए उसको। और इस तरह से अगर मैं बात करूं 50th क्वेश्चन इज आई ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स व्हेन आई एम विद पीपल, ओके लेट्स एंड लास्ट क्वेश्चन इज आई टेक चार्ज ऑफ थिंग्स
when I'm with people, it is again a repeat. Mata sahab, nice to see you. Hello, hello. Welcome. Thanks a lot. तो दोस्तों ये जो 54 क्वेश्चन के लिस्ट आपके सामने रखी है, आप अगर उसमें भरेंगे तो फिर जैसे सुधीर सिन्हा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके तुरंत बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि स्कोरिंग कैसे करनी है इसमें। आपने टिक तो लगा दिए, कहीं पर 2 लिखा, कहीं 4 लिखा, कहीं 5 लिखा, कहीं 1 लिखा, तो व्हाटएवर फॉर यू बिफोर वी गो फर्दर प्लीज। एक तो आपने वो कहा कि आई ट्राई टू टेक चार्ज व्हेन आई एम विद द पीपल, जो है तो उसका आंसर एक हो तो इफ यू गिव वन आंसर ऑलवेज दैट मींस दैट यू आर ट्राइंग टू यू नो बॉस हिम और ट्राइंग, बट इफ यू गिव आंसर वन ऑलवेज दैट इज व्हाई आई सेड जस्ट वेट फॉर अ बिट एंड द नेक्स्ट स्लाइड विल शो यू देन यू विल बी मिजरेबली फेलिंग। दिस इज द आंसर, हियर इज द स्कोरिंग की, here is the scoring key, let me explain this. Right, as now the first we are talking of expressed inclusion, right, and the questions are 1, 3, 5, 7, right, and like that 1, 2, 3, and like 4, 5, like that up to 16. Yes, right, up to 16. Second page is also total, there are 9. Yes. Right, so let us start of item 1 is question 1. If your answer is either 1 or 2 or 3, give 1 mark, otherwise 0. Okay, all right, so that right. And second question is not for expressed inclusion. Now third question, 1, 2, 3, 4, if answer is any of these 4, put 1 mark, otherwise 0. I got it. So, okay. Right. For fifth question, 1, 2, 3, 4, give 1 mark, otherwise 0. Seventh question, 1, 2, 3, otherwise 0. Ninth question, 1 and 2 only will get 1 mark. And if you have tick option 3, 4, 5, 6, 0. So, like that, in this total category, score will be either 0 or 1 or 2 or 3 up to 9. It can vary from 0 to 9 only. Right? Same thing will happen for the second category, that is wanted inclusion, then expressed control, wanted control, expressed affection, and wanted affection. Everywhere your score will come. And ultimately, your total would look something like this. Just show next slide. Yeah. Here he comes. This is the final table, which say our Sudhir Sinha, he has filled his particular case. We thought for discussion's sake, we shall take one because he had filled already. His answer is given in red dot, if you can see. Right, say okay. Question number one. My right, question number 11, 15. His scoring comes. Yeah, so he did it there. Right, so ultimately his expressed behavior score in inclusion comes 5 and wanted comes 4. Similarly, for control, expressed control comes 6 and wanted control comes 3, and affection, expressed affection comes 3 and wanted affection comes 5. Whether you total it or not, it is immaterial. Now, out of 0 to 9 scale, 0 to 3 is called low score. 4 to 6 is high. And above 6 is very high. Right? Now, let us examine Sudhir's personality as far as inclusion is concerned. So, both ways, it is high. His expressed behavior and wanted behavior, both are more than 3. In fact, expressed behavior is more, that shows he is more social. In a social gathering, he will himself approach the people present there. And if they don't know him, he will say, I'm so and so. And start conversation with them. Right? But then his expressed behavior is little more. But he wants, similarly, people also should come to him. So a person with a score of 5, 4 or 5, 5, socially, he would be very amenable.
एंड ही विल हैव नो प्रॉब्लम बैलेंस इन पर्सन मिक्सिंग एनीवेयर इन एनी टीम सच ए पर्सन बट सपोज इफ योर वांटेड बिहेवियर इज हाई बट एक्सप्रेस बिहेवियर इज ओनली टू एंड वांटेड इज से सेवन देन यू विल बी अलूफ पीपल विल नॉट यू विल नॉट कम टू देम एंड पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ यू because this gentleman doesn't show any affection he only wants i mean he doesn't want to mix with the people kuch log bolte hai na jaise ye aadmi thoda aloof rehta hai ye social nahi hai mixing nahi karta hai kai party hogi alag baitha rahega to team work ke liye wo acha nahi hai to maan lijiye aapne team ka leader banana hai uska member banane hai to unke agar ya to middle mein score ho aisa nahi ho kisi ka 8 hai और दूसरे का दो है तो नई बात बनेगी तो एज फार एज सुधीर सिन्हा इज कंसर्न हिज एक्सप्रेस बिहेवियर एंड वांटेड बिहेवियर बोथ आर इन द मिडिल जोन एंड ही इज अ सोशल पर्सन ही विल हैव नो प्रॉब्लम इन एडजस्टिंग विद एनी टाइप ऑफ ग्रुप और पीपल तो ही कैन फिट एज फार एज वेल डन इज कंसर्न ही हैज नो इशू राइट वी कैन डिस्कस समबडी एल्सेस इफ यू आल्सो हैव फिट बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर प्रेजेंट एटलीस्ट मिस्टर मट्टा इज देयर Kundra Sahib is there, so we can definitely discuss that. Now, coming to control, here there is a problem as far as Sudhir Sinha is concerned. His express behavior is he wants to control everybody. Obviously, he was chief engineer, he must be controlling everybody. But then he does not want his engineer in chief or secretary of the organization from the government of control him. UP. He should control him. So that is his problem. He wants to control. And if I have analyzed my also, this problem is with me also, as far as control is concerned. And I was sharing an anecdote with one gentleman. I'll also share with you shortly. But let us see. So this type of person, if he can improve his wanted control, also should be there. Okay. बट देन यू कांट चेंज इट यू कांट चेंज इट देखो बात कर रहे हैं टेक्निक यूज की जा सकती है कैन आई गेट अ मिनट इन दिस आई थिंक व्हाई वी आर गोइंग ऑन इंडिविजुअल वी आर जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेस सो लेट्स स्टे प्रोसेस व्हाट प्रोसेस टेल्स अस रादर देन अपने वी आर नॉट गोइंग टू चेंज बट इट्स समथिंग वी कैन लर्न दो टू यूज इट समवेयर वेयर एवर वी नीड टू यूज एंड मिस्टर मट्टा लेट मी टेल यू I learned this technique way back in 1993 while I was posted to Pune. Exactly. And in my further, I had about 20 years service after 93. And I have practically used this. And my team always excelled. We always exceeded the target. True. We had no jhagda whatsoever. Right? Only one occasion came in Pune itself when my immediate boss, He was the type that I want to control everything. So I named him as nut and bolt manager. I used to tell him, Sir, you tell me what is the target. You tell me what are the constraints of manpower and what is the financial restrictions. Rest you leave to me. Target would be exceeded if Indians are available. But then he will never leave. He will even try to tell, in this factory, we used to make millions of ammunition for entire small arms. For okay. carbine 7.62, 12 bore, 9mm pistol, all small, small arms ammunition we used to make. And this gentleman, we tried to tell me, do this, take move this box. If this lot is becoming like this, this way, I say, sir, you forget what you want. You want your output, 20 million. 20 million will be supplied by month end. And your cost, last year's cost of production was this much. I will give 10% less than that. What do you more you want? So please don't tell me what should I do or what should I not do. So as luck would have it, he would have spoiled my confidential report. But then I was transferred from there. And as luck would have it, I became chairman. He had retired by that time. He had joined Siemens company. He came to me as a representative of Siemens. And I made him wait for 2 hours outside my chamber. So it will happen. Good. He has retired. I was in the chair. I was in the chair of the chairman. So what I mean to say that and all my other bosses, they found me very convenient
अरे डीएम गुप्ता बोल रहा, हो जाएगा कम दाम में, हो जाएगा जल्दी, समय से हो जाएगा, हमको क्या करने का रहा, दो यू डिलीवर। ट्रू ट्रू दैट शुड, तो आई गॉट एक्सेप्ट वन एंड रिजल्ट ही तो चाहिए ना, आई गॉट द एंटायर लिबर्टी फ्रॉम एवरीबॉडी। ट्रू, तो इट हैपेंस। ओके ओके, वी कम टू द लास्ट एट्रीब्यूट दैट इज अफेक्शन एक्सप्रेस्ड एंड अफेक्शन वांटेड। तो मिस्टर सिन्हाज स्कोर से ही वांट्स एवरीबॉडी टू रेस्पेक्ट हिम but he is not able to return to that extent to the subordinates. I don't know, it may be true or not, he may throw some light, but still it is a marginal case, I would say. Suppose the express behavior would have been 0 or 1, then would have been really bad, but if this also would have been 5, it would have been excellent. Kya hai ki agar aap dekho log aise hain wo ye prove karna chahte hain ki ye jo मैनेजमेंट टूल है इट इज ऑल हमवर्क, इससे कुछ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि एक घंटा लेते हैं और वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन मैंने क्या आंसर दिया था। और कुछ लोग इंटरनेट में जाके पढ़ भी सकते हैं कि साहब स्कोरिंग ऐसे होती है, तो फिर अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, देन इट हैज गॉट नो मीनिंग ना, आपको पता ही है रिजल्ट क्या है, आप मैनिपुलेट करोगे फिर उधर अचीव करने के लिए। अगर आप देखा होगा कि मैंने आपको सेट ऑफ 54 क्वेश्चन तो शेयर किए लेकिन स्कोरिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, नहीं की। वो मैं आज कर रहा हूं क्योंकि वो करने के बाद बात बनेगी नहीं। तो अभी भी जो यूज करना चाहते हैं अगर उसको करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन सेंड द फाइनल स्कोर कार्ड ICAENW एक्सप्रेस ICA इंक्लूजन कंट्रोल अफेक्शन एक्सप्रेस एंड वांटेड ओनली 6 मैश and that will throw light, and further of course if you can go to Google and all, a lot of other information is available because his entire research is available of William Shaw. But let me say this, I really appreciate you bringing it to our notice. I never knew anything about it, and I think I do plan to use it for my business. I would use it for my managers. I think and you can definitely, and I can vouch for it that when you will use it, you will find that it works. Yeah. It works in a very subtle way, though it is not a big team. As a boss, you can decide who will go in which team. But then it definitely adds to the efficiency and more, I would say, brotherhood, you may call it, or sisterhood, whatever you may call it. But the basic problem in Indian team building is that people pull each other's leg and then they don't support each other. नहीं, वो दैट इज व्हाट इज नॉट एट ऑल डिजायर्ड। मैंने मैंने ये देखा कि इंडियंस में ज्यादा है, क्योंकि आई हैव वर्क्ड हियर विद इंडियन देन नॉन इंडियन, कि कुछ सटल इगोइज्म ज्यादा है, कि हम लोग वी आर बेटर देन एनीवन एल्स, यू नो नोबडी इज एज गुड एज अस, एंड व्हिच इज ओके, मे बी वी आर स्मार्ट बट अगेन वी आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो। हमारे घर जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा घर तो इतना साफ रहता है पर गली में चले जाओ तो सारा कूड़ा पड़ा रहता है। तो एट टाइम्स यू कैन बी एक्सीलेंट नंबर टू, बट द मोमेंट यू बिकम नंबर वन यू आर अ डिजास्टर। ट्रू ट्रू, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इट कुड बी वाइस वर्सा आल्सो। या या, गो अहेड सुरेंद्र, यू गोइंग टू से समथिंग? तो नो नो, आई सेड यस सर। आप थोड़ा उसको अगर सपोर्ट करेंगे, और दूसरे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे दोस्त ये क्वेश्चनेयर तो शेयर कर लिया है, और अभी आप इसका स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकते हैं, और अगर लोग उस पे अपना स्कोरिंग करके मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो वन टू वन भी कर सकते हैं। अपने ग्रुप में सबका नंबर है, सबके पास, वीडियो कॉल कभी भी हो सकती है। आई न्यू एनीथिंग अबाउट इट, सो या, आई लाइक टू नो मोर अबाउट माय सेल्फ, यू नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो अबाउट अस, यू नो। या आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। वो कंट्रोल करना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है। The weapons you mentioned, like carbine 12 and the 7.62, I have fired all of them. When I was in the Navy, I'm very happy to hear that. I have also tried, and I have also driven a tank. Oh, wow. Main metal tank I have driven myself. Because I have made it also, I have driven it also. Very good, very good. So that was a great experience. And our main metal Arjun, which is totally designed in India, you might have heard also,
in Republic Day parade it was shown also. Which Mark one is II that? Is under manufacture. MBT. And you see, when I had joined this, pardon? MBT. MBT. Arjun Mark II is now being Arjun. Made. Arjun. Yeah. I am talking MBT. About MBT, Arjun. And when I, this tank factory is the only factory in the world in Chennai, at a place called Audi, which makes Audi. Three distinct design of tanks under one roof. T90, T72 and Arjun. There is no other factory in the world which makes three distinct design under one setup. And the problem is that I had joined that factory in 2003. And at that time, for 20 years, Arjun was on drawing board. It is not coming out. There was a lot of Allah Gulla. Yes. And people had transferred me from Jabalpur thinking that it is going to be the graveyard of Mr. D.M. Gupta. Because I have been expert in making ammunition. He can't make tank. And each tank has 50,000 parts. So he'll get lost. And pura hegde nikal jayega, jisko Hindi mein bolte hain. To theek hai, khair hum Chennai aa gaye. 3 mahine maine shop floor pe hi bitaye, ghar nahi gaya main. Sab seekh liya. Mere ko to ek hi tank malum tha, jo water tank hota hai chhat ke upar. To maine pura tank ko puri tarah se samajhne ke baad, fir pura apna strategy bana liya, kya kaise karna hai. Raksha Mantri koi bulaya, Chief of Army Staff koi bulaya, DRDO Chief ko bulaya. मैं इसको सुना था, ये जो जीएम का ना जीएम जी का जो हेड था, ही स्टार्टेड बिजनेस मैनेजमेंट को, ही सेड हम लोग को ये चाहिए कि हर साल 10% जो बॉटम के लोग हैं उनको फायर कर देना चाहिए. जैक वेल्स ना. जैक वेल्स. जैक वेल्स. आई एम इंप्रेस्ड. वो बोलता है हर साल 10%. आई एग्री विद हिज थ्योरी दैट अनलेस यू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल you cannot deliver excellent results. He says a cow which gives 40 liter milk cannot be treated at par with a cow which gives 1 liter milk. Number two, unless you develop in a big way, that is why our present PM, he brought out Make in India scheme. Because what is the problem? Why exports were not happening? Because 80% of our products were through transfer of technology from foreign countries. And there is a intellectual property right clause, IPR clause. Up to 20 years, you cannot export that design. After 20 years, it is obsolete. Nobody would buy it. Yeah. So unless you develop your own item, like we have developed Pinaka, we have developed Arjun, like so many other things we have developed now. So now we are able to export them also. When our PM has just announced this Republic Day, na, that for the first time, our export in defense have crossed 14,000 crores. It used to be some 1,000, 2,000 crores. It was due to this reason. They have told, okay, this is a negative list. These 100 items you can't import. These 100 items you can't import. Whether if ordnance factories cannot make, let L&T make, let Bharat Forge make. No problem. But Indian company should make it. So now things are happening.
But then, if you compromise on merit, how the organization can give superlative results? Right. Can't give. And directly, politicians cannot do that. So hence, corporate lending means you are giving more freedom. You are bringing that only the merit will count, the people who will run the show. So it should be that way only. See, even in US, all the defense is private, as you know. And defense factories are private. Government doesn't make anything, except some of the areas. But again, if you look into, even you look into space, you know, which used to be NASA, now Elon Musk is having his own SpaceX. Yeah, yeah, yeah. And they are privatizing that. These are different times. I agree with you. Today, you see, there is no what they say, everything is in public domain. All designs are there on net internet. Everybody knows how to make ideas. SpaceX is doing things at less than one-tenth the cost of what NASA did in some of the areas, in rockets and all that. And same way, it's going to happen in India too. I think it, jo individual person, jo satisfaction jo hai, har aadmi ki inspiration apni jo hoti hai, wo agar, I think corporations kind of stifle, you know, government corporation kind of get into red tape and stifle that. In a way. As simple as that, unless, you see, hitherto for what we were doing, we were getting orders by nomination. Yeah. Why should I improve my working? Obviously, yeah. Human tendency is there, unless if there is only one person who is running the race, he is going to be number one.